नमस्कार, सुप्रभात। छोटों को प्यार, बड़ों को मेरा नमस्कार स्वीकार करें। और इसी के साथ आज सावन का पहला दिन श्री शिव जी को समर्पित है। और इस पावन दिवस में मैं और इस चैनल के ऑनर शशिकांत द्विवेदी जी पहुंच गए हैं महादेव घाट स्थित रायपुर में, महादेव घाट स्थित श्री हटकेश्वर महादेव, जिनका इतिहास अति पुराना और विश्वसनीय है, जिनकी हजारों साल पुराने यहाँ पर श्रद्धालु अभी भी पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पर आते हैं और अपनी संपूर्ण मनोकामना के साथ, पूरे प्रदेश की मनोकामना के साथ यहाँ पर अपनी श्रद्धा को लेकर आते हैं और भगवान की पूजा करते हैं। ठीक इसी तरह आप देखेंगे हटकेश्वर महादेव के जस्ट समीप और किनारे पे एक खारून नदी है जो भारत के कई जिलों से होकर आती है और दूसरे जिलों में, दूसरे प्रदेश में जाके जुड़ती है। इसी बीच जल संसाधन विभाग द्वारा बनाया गया एक लक्ष्मण झूला विशाल झूला है जो हरिद्वार के तर्ज पे बनाया गया है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि नदी का बहाव तेज होने का कारण है कि छत्तीसगढ़ में भी एक वो हुई है वर्षा, निरंतर वर्षा के कारण ये बहाव है। देख सकते हैं थोड़ा जलकुंभी घेर चुकी थी जो कि अब बरसात के मौसम में धीरे धीरे क्लियर होती जा रही है। आगे की संवाद हमारे शशिकांत द्विवेदी जी करेंगे। शशिकांत द्विवेदी यहाँ पर आ गए, कैसे लगा? मैं ऐड करूँगा कि हटकेश्वर महादेव मंदिर है वो सिर्फ गुजरात में है, उज्जैन में है, उज्जैन में है और ये तीसरा राज्य। और इस मंदिर का वर्णन भगवत गीता में भी है जैसे कि अभी हमने पढ़ा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो शशि जी और इनके इनकी श्रद्धा शशिकांत द्विवेदी जी की हर साल बढ़ती जा रही है। पहले मेरे साथ फर्स्ट टाइम आए थे कोविड के बाद, उसके बाद अपनी मम्मी के साथ आए, मम्मी के साथ आना इनका सौभाग्य हुआ, मम्मी का भी सौभाग्य था, इनका भी दोनों माँ बेटे आए इनका सौभाग्य था। उसका तीसरी बार आज हम फिर आ रहे हैं और बहुत ही मन हर्ष प्रफुल्लित हो गया यहाँ पर आके। बस इस महीने से, मतलब इस साल से मेरा निर्जला व्रत भी स्टार्ट हो गया है। पाँच सोमवार जो है भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामना पूर्ण करे, आपके पूरे परिवार को अच्छा रखे। और इसी साथ शशिकांत द्विवेदी चाहते हैं सर्व भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्व भद्राणि पश्यतु मा कश्चित् भागोऽयं, सभी सुखी रहे, निरोग रहे, कोई भी दुख का भागी ना रहे। धन्यवाद। बोले हर हर महादेव।